वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, और आपके अभिवादन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच थैंकफुल। सबसे पहले मेरे बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम शिवाक्षी खंडल है और आरएएस 2018 में मुझे थर्ड रैंक मिली है। मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और उसके बाद मैंने आरएएस की तैयारी की है। तो आप लोग फाउंडेशन बैच के लिए आए हैं यहाँ पर, राइट? मैंने प्री से पहले वाला बैच ज्वाइन किया था और उसके बाद में मैंने मेंस का बैच ज्वाइन किया था। तो इस पूरी जर्नी में स्प्रिंग बोर्ड फैमिली ने जो रोल निभाया है, क्योंकि मुझे खुद को नहीं था कि इतने कम टाइम में मैं कुछ अचीव कर पाऊंगी, और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे मुझे पढ़ाया गया और जैसे जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने ज्वाइन की, उसके बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे आया। आप इनिशियली बहुत, आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हो और फिर कितने लोगों को यहाँ पर इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस के बारे में पता है? हैंड्स रेज करिए प्लीज। ओके, तो इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, जैसा आपको बता भी दिया गया होगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू होता है। आप लोग फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं और एकदम सही समय पर आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि प्री और मेंस की जो प्रेपरेशन है उसको कभी हम सेपरेट नहीं कर सकते, वो हमेशा इंटीग्रेटेड मैनर में ही होती है। यहाँ पर प्री और मेंस को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और साथ में कि अपने लेवल पर सिलेबस उसे मैच करते रहें, कि तैयारी करती थी, इसलिए मैंने शंकर आईएएस भी पूरी पढ़ी थी लगभग। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन रखना। एक्चुअली कुछ लोगों को कोचिंग की जरूरत पड़ती है और कुछ लोग सेल्फ स्टडी से भी आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ने डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत, यहां में रहा हो मैं, मुझे स्विच करना था तो मुझे गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी उस समय। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप उसमें कुछ लोग की सिचुएशन आप लोगों के सामने क्रिएट ना हो। फिर प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स किस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है, तो प्रीलिम्स में फैक्चुअल ज्यादा पूछा जाता है और उसमें भी उसमें से लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके की चीजें भी उसमें होंगी। इसीलिए अगर आप प्री और मेंस को साथ में लेके चलते हैं तो आपकी इन डेप्थ स्टडी होती है। फिर बात करते हैं मेंस की, तो अगर तो मेंस ही है जहां पर मेंस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। हेलो, ओके, थैंक यू। हाँ, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने सिलेबस को या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरा करने पर जोर दें, और जैसे ही वो सब्जेक्ट पूरा होता है, यहाँ पर वैसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो ही जाएगी,
अपने लेवल पर आप क्या करें कि रोज 2, 5 और 10, 3 ये तीन नंबर हैं, इनमें मतलब आपके क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। मान लीजिए आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स से आपको क्या समझ आता है, वो उसका हुआ एनालिसिस, तो उस एनालिसिस पार्ट को हम 10 मार्क्स वाले में लिख सकते हैं। फिर आता है 5 मार्क वाला क्वेश्चन, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से राइट्स इक्वालिटी इंश्योर करते हैं, कौन कौन से राइट्स फॉरेनर्स को नहीं दिए गए हैं, केवल इंडियंस को दिए गए, इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं, और 2 मार्क्स में डायरेक्टली कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से कोई भी जब आप चैप्टर पढ़ते हैं या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और अपने आप इवैल्यूएशन पे ध्यान दीजिए। एक बात और है, जब मैं यहाँ पढ़ा करती थी तो ये वॉल्स पे आप देख रहे होंगे टॉपर्स की पिक्चर्स लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज मोटिवेट करती है। हम जब रोज स्प्रिंग बोर्ड में एंटर करते हैं, वॉल्स पे टॉपर्स की पिक्चर्स देखते हैं, तो हमें लगता है कि काश एक दिन हमारे पिक्चर भी वहां पर हो। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए कि हाँ, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरा नाम भी वहां पर हो और मेरे पेरेंट्स भी एक दिन प्राउड फील करें। ठीक है, जैसे मैंने किया कि मेरा तो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसके बाद में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और मेरा उस समय कोई मोटिव भी नहीं था। लेकिन हाँ, अगर हम चीजों को सीरियसली लेते हैं, फोकस्ड रहते हैं और डिटरमाइंड हो जाते हैं कि हाँ, हमें तो कुछ अचीव करना ही है, तो टाइम इज नॉट ए बैरियर। आप कुछ भी, मतलब कितना भी आपको टाइम मिले, हाँ, 1 महीने तो बहुत कम टाइम है, लेकिन 2 से 3 महीने में प्रीलिम्स भी क्लियर किया जा सकता है। दूसरी बात हम बात करें तो अगर कुछ लोग केवल पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए एक सलाह है कि अपनी हॉबीज को भी पूरा टाइम दें, क्योंकि जब आप मेंस क्लियर कर जाएंगे तो आप सोचेंगे कि मैं हॉबी वाले सेक्शन में क्या भरूं इंटरव्यू के लिए। तो अपनी हॉबीज को भी पर्याप्त समय दें, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो करने में आपको मजा आता है, खाली समय में उसको करने की कोशिश करें। ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा नींद पर्याप्त लें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ लोग इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं। अभी भी आप लोगों की चेहरे में देख रही हूँ, काफी स्ट्रेस दिख रहा है, ऐसे डल हो रखे हैं। थोड़ा सा स्माइल कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस आपके पेशेंस का बहुत टेस्ट करता है। जैसे हमारे समय में काफी बार जो भर्ती है वो कोर्ट में गई थी, फिर उसके बाद में उसका हमने वेट किया था। तो थोड़ा सा अपने आप को जॉयफुल बनाइए, अपनी फैमिली वालों से बात कीजिए, यहाँ पे टीचर से बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो बताइए। हाँ पूछे। हाँ पहली बार तैयारी की थी, जो टीचर्स पढ़ा रहे थे मैं वैसा वैसा करती गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि इस एग्जाम में क्या होता है, मैंने तो सिलेबस भी नहीं देखा था, सही बताऊं तो जैसा टीचर्स यहाँ पर कहते थे वैसा मैं करती गई, और मतलब वैसे वैसे मैं पढ़ती गई। जैसे टेस्ट सीरीज होती थी, जिस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज होती थी उसको पढ़ लिया। लेकिन मेन्स में मैंने, मतलब मेन्स में मुझे पता चल गया था कि इस एग्जाम का नेचर क्या है, तो मेन्स में मैंने काफी मेहनत की और रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। हाँ पूछिए। आप अपने आप को इवैल्यूएट, बैठिए, आप अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे। जब भी आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर वीक हैं और कहाँ पर स्ट्रांग हैं। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन बनना है अपने को। मतलब एक किसी सब्जेक्ट में मास्टरी करके या एक किसी सब्जेक्ट को परफेक्ट करके यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स इक्वली आने चाहिए, ये इस एग्जाम का रूल है। दूसरा, यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत गहराई से नहीं पढ़ना, मतलब आपको वहां पर पीएचडी नहीं करनी है, सीधी बात मैं बताऊं। क्योंकि बहुत, जब मैं भी पढ़ती थी तो बहुत से लोगों के ऐसे डाउट्स होते थे जैसे उस पर रिसर्च कर रहे हो, हम लोगों को उस रिसर्च पर ध्यान नहीं देके जैसा पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर के हों, जो जिस पर आप अटक रहे हो, वो क्वेश्चन आप टीचर से पूछिए कि इसमें कैसा आंसर लिखा जा सकता है।
इससे एक और बात याद आई मुझे, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स या कोई भी क्वेश्चन है उसका एनालिसिस पूछा है, सब क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे लिखते हैं। जैसे मुझे कुछ एग्जांपल याद नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें वन आंसर फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी। यहां पर आपको क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक बार समझ नहीं आए, दूसरी बार पढ़िए, कम से कम 15 से 20 सेकेंड एक क्वेश्चन को समझने में, पढ़ने में लीजिए, 30 सेकेंड तक भी ले सकते हैं। तो ये आपका एटीट्यूड रहना चाहिए। और कोई डाउट्स हैं? रिवीजन कैसे करती थी? मेरी एक हैबिट थी कि मैं लिख लिख के पढ़ा करती थी, लिख लिख के और तेज बोल बोल के। मैं मेरा कमरा बंद कर लेती थी और बहुत तेज आवाज में मैं रिवाइज करती थी और अपने आप से बातें करती थी। तो वो मेरा पूरा मेथड रहा रिवीजन का। जैसे आज एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो 15 दिन बाद मुझे वो रिवाइज करना ही है, ये मेरी स्ट्रेटजी रहती थी। और साथ में जो टेस्ट सीरीज होती थी उसकी डिमांड के हिसाब से मैं रिवीजन किया करती थी। हाँ पूछे। अगर आपको लगता है कि मतलब समझ नहीं आ रहा और इसकी थोड़ी कंटेंट की कमी लगती है, आप स्टार्ट एनसीईआरटी से कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत बेसिक बुक्स होती हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो अपने बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं उसके लिए। और साइंस एंड टेक की भी आरबीएसई की बुक्स हैं। आप कौन से मीडियम से हैं? मीडियम मीडियम हिंदी रहेगा आपका मीडियम? हाँ, तो हिंदी में तो काफी मटेरियल अवेलेबल है। राजस्थान अध्ययन, हाँ। एक्चुअली मैंने बोला ना कि मैं केवल इनको प्रेफर करती थी, जो ये टीचर्स कहते थे वो पढ़ा करती थी मैं। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बेसिक जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब आप क्लास में वो एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे ना, जब सर वो पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, इन्होंने जब एक क्वेश्चन पूछा मुझे, ये समझ में आया कि मीडियम, यहाँ पर कितने लोगों का मीडियम इंग्लिश है? ओके, काफी लोग हैं। हाँ, तो मीडियम को कभी बैरियर मत समझना इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि हिंदी मीडियम भी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम इक्वली बेनिफिशियल हैं। हो सकता है कि धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम की तरफ रुझान बढ़ रहा हो, लेकिन मैंने क्या समझा, इवन हमें हिंदी में भी पढ़ाया जाता था तो हम उसको ट्रांसलेट करके लिखा करते थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और बाय द वे कोई टर्म हिंदी में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आपकी एक हैबिट डेवलप होगी जो आपको फोर्थ पेपर में हेल्पफुल रहेगी। फोर्थ पेपर में आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें ट्रांसलेशन करके लिखा हुआ है, उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना होता है। तो दोनों भाषाओं पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, इसमें कोई मतलब मीडियम इज नॉट अ बैरियर इन दिस केस। आपको दोनों भाषा आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन तो बोथ वेज चलेगा। और कोई डाउट है? हाँ पूछिए। बैठिए। एक्चुअली आपने गीता का वो सुना होगा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको केवल अपना कर्म करना है, कर्म इज योर स्टडी, तो आपको केवल वो करना है और रिजल्ट की ओर आप ध्यान ना ही दें तो अच्छा है। अभी केवल पढ़ते जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। हाँ, मुझे इनिशियली लगा था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू पोर्शन होता है वो वीक था, तो मुझे इनिशियली लगा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट ठीक है, हो गया। और कोई डाउट है? हाँ, आंसर्स कैसे लिखते हैं? तो आंसर्स बहुत मतलब कैची होने चाहिए, कि जो एग्जामिनर है वो आपका कॉपी पढ़े और उसको ये लगे कि बहुत अच्छा आंसर लिखा है, इसको तो मैं मार्क्स देने से चूक ही नहीं सकता। कैसे लिखते हैं? तो उसमें आप डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हैं,
जैसे हिस्ट्री होती है तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी होती है, क्रोनोलॉजी का मतलब कि इस सन से इस सन तक ये घटनाएं हुई, उसको आप फ्लो चार्ट में बता सकते हैं एक बॉक्स में बंद करके। ज्योग्राफी में आप मैप्स यूज कर सकते हैं, और साइंस में बहुत सारे डायग्राम्स, जैसे मैंने उसके लिए बनाया था ये बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव आया था इसमें मेंस में, उसके लिए भी मैंने कुछ डायग्राम और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की थी, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। हैंडराइटिंग खराब है? राइटिंग बस पढ़ने लायक होनी चाहिए, इतनी सी इंपॉर्टेंस होती है। मैंने बहुत खराब हैंडराइटिंग वालों की भी अच्छी रैंक आते हुए देखी है, तो राइटिंग इज मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, केवल पढ़ने लायक होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। और कोई डाउट्स हैं? बहुत कम डाउट्स हैं भैया आपके तो। हाँ, स्पीड वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो ही जाएगी। जब फुल पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, जैसे फर्स्ट पेपर फुल अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकंड बहुत सारे अटेम्प्ट करेंगे तो स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे स्टॉप वॉच लेके बैठें कि इतनी देर में आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि आपको वहां 3 घंटे मिलेंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है आपकी स्पीड बहुत भी अच्छी हो ना, तो वो जो पेपर की रिक्वायरमेंट है ना वो काफी ज्यादा होती है, तो आपकी स्पीड उससे भी मैच नहीं कर पाती। बस इतना कोशिश करें कि 3 घंटे में आपका पेपर हो जाए। और कोई डाउट? हाँ, अरे इंटरव्यू तो बहुत दूर है अभी, तब की तब बात करेंगे हम, ठीक है? क्या हाँ, एनसीईआरटी तो सेंटर इशू करता है बेसिकली, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको वीक लगे वो आप बुक्स फॉलो कीजिए। मान लीजिए हिस्ट्री आपकी वीक है तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी फॉलो करें, ऐसे कर सकते हैं आप। आरबीएससी को केवल राजस्थान ओरिएंटेड रखें, ठीक है? अब वर्षा मैम आएंगी, वो अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगी। थैंक यू मुझे झेलने के लिए इतनी देर।